नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं बसों और ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं के खिलाफ जहर घोलने और भड़काने वाली नारेबाजी की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एएमयू और जामिया में की गई हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी का वो वीडियो जो हिंदू का खून खौला देगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे एक और ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बेखौफ होकर सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले देखिए एएमयू और जामिया का वीडियो। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं जो दिखावा के लिए शिक्षा के मंदिर में सदाचार और भाईचारे का पाठ पढ़ने तो आते हैं, लेकिन असल में इनके अंदर धर्म का जहर खुला हुआ है और इनका यही जहर पूरे देश में दो समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने और नफरत की दीवार खड़ा करने का काम करता है। अब सवाल ये है कि अगर आम आदमी कोई छोटी सी गलती कर देता है तो पुलिस प्रशासन एक साथ हावी हो जाता है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई ही होगी जो ऐसे खुलेआम धर्म के नाम पर जहर घोल रहे हैं? इसी बीच अब आपको दिखाते हैं एक और ऐसा वीडियो जिसे देखकर शायद आपका दिल दहल जाएगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ खुलेआम निडर होकर रेलवे की पटरी को उखाड़ रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस भीड़ में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। वो युवा जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, वो इस हिंसा की आग में सब्बल लेकर कड़कड़ाती ठंड में हाथ सेक रहे हैं। पूरा उतर के रख देगा। अरे क्या कर रहा है, देख लो कहां से कहां ले आया। इन्हें ना तो सरकार का डर है और ना ही इन्हें देश के उन लोगों की चिंता है जिन्हें इनकी इस हरकत से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनमाने की जिद अड़ी हुई है, चाहे वो बात देश के विरोध में ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर हर कोई इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये वीडियो कहां का है, और साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन हैं जो हमारे टैक्स के पैसों की खुलेआम बेखौफ होकर बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये देश का गुस्सा दिलाने वाला ये वीडियो आया कहां से है। दरअसल ये वीडियो उस राज्य का है जहां सूबे में ममता बनर्जी की सरकार है, यानी कि बंगाल। वो बंगाल जहां नागरिकता कानून को लेकर सबसे ज्यादा बवाल काटा जा रहा है, जहां 14 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में मुर्शिदाबाद जिले के कृष्णपुर में 5 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, जहां हाईवे को जाम करके 25 बसें फूंक दी गईं, यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों को पीट दिया गया। और ये रेल की पटरी को उखाड़ने वाला ये वीडियो भी मुर्शिदाबाद जिले के कृष्णपुर रेलवे स्टेशन का ही है। इसके अलावा इस वीडियो को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि वेस्ट बंगाल में CAA 2019 के विरोध में जो हिंसा और तोड़फोड़ हुई वो सब सुनियोजित थी। इसे ममता सरकार और घुसपैठियों की मिलीजुली चाल समझा जाना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद रेल की पटरी उखाड़ने वालों के पास आखिर एक जैसे सब्बल कहां से आए। खैर कुछ भी हो, मगर जो लोग नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं वो हमारे संविधान और संस्कृति के एकदम खिलाफ तो है ही, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा करके कोई भी समाधान नहीं निकल सकता है। इस तरह हिंसा फैलाने और धर्म के नाम पर जहर घोलने वाले ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।